जय हिंद। मैं एक भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और वर्तमान में फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी का। मैं भारतीय सेना में 17.1 मंथ मैंने नौकरी की है और अभी पिछले एक साल से मैं एक आईटी कंपनी का फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। आर्मी में मेरा कभी बुरा वक्त आया नहीं, क्योंकि आर्मी में हम हमेशा एक हिम्मत, एक जोश और जुनून से रहते हैं, जिसमें कभी हमारा मान लिया जाए कोई परिवार में भी कभी कोई दुख तकलीफ भी होती है तो जो एक हमारा फ्रेंड सर्किल होता है आर्मी का, अपने यार और दोस्त हमेशा एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा सहयोग देते हैं। सबसे पहले मुझे जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता था वो थी मेरी आर्मी की ड्रेस, और जो मेरे आदर्श हैं वो मेरे फादर हैं, क्योंकि मैंने अपने फादर को हमेशा एक डिसिप्लिन लाइफ में देखा और जिनके जो आने जाने या जो उनकी प्रक्रिया थी उनकी वजह से ही मुझे आर्मी में जाने का हिम्मत और हौसला बढ़ा, और वही मेरे रोल मॉडल हैं। जो मेरा कोट है, जो मेरा मोटिवेशन है, वो मुझे करता है पराक्रमो विजेते। मेरे रेजिमेंट का यही वर्ड था, पराक्रमो विजेते, और हमारा एक ही मुद्दा था, एक गोली एक दुश्मन। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमेशा ये ध्यान दें, यह एक नौकरी नहीं बल्कि एक देश सेवा है, जिसमें आप अपनी असली माँ भारती की आप सेवा करते हैं और आप रक्षा करते हैं। अगर आप शहीद भी हो जाते हैं, ये भी आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके समाज के लिए एक गर्व का विषय रहेगा। अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमेशा अपने फिजिकल हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ का खास ध्यान रखें, साथ ही अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें आप हमेशा हिम्मत, जोश और जुनून को पैदा करने की कोशिश करें। अगर मेरी जिंदगी में मुझे वापस मौका मिला सोचने का कि मैं वापस क्या बनना चाहता हूं, तो मेरा हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना रहेगा कि मैं हर जन्म में और हर भूमि में मैं सैनिक ही बनूं, और वो भी इंडियन सोल्जर। मेरे बचपन की सबसे खास मेमोरी है मेरे फादर का छुट्टी आना। मैं एक पहाड़ी क्षेत्र से हूं और जब मेरे फादर छुट्टी आते थे उन दिनों वो आर्मी की ड्रेस में आते थे, और वो आर्मी की ड्रेस हमेशा मेरी आंखों में चुभती थी कि मुझे यही ड्रेस हासिल करना है, क्योंकि अपने फादर की ड्रेस को देख के मुझे मन में बहुत खुशी और हर्ष पैदा होता था। मेरी जिंदगी में या जो मेरा आर्मी का अनुभव है उसके आधार पर मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपको वास्तविक जिंदगी जो है आपको एक्सपीरियंस सिखाती है, क्योंकि जब आपके साथ में कोई घटना होती है उससे आप इंस्पायर होते हो और वही आपकी जिंदगी की दिशा और निर्देश तय करती है। मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं और वैसे पूरा मेरा खानदान है, क्योंकि मैं उस खानदान से आता हूं जिसमें मेरे चार दादाजी आर्मी रिटायरमेंट और चारों दादाजी के तीन बेटे सारे के सारे आर्मी के, और मेरे फादर लोग तीन भाई आर्मी के, और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है कि मैं अपने फादर का एक बेटा मैं आर्मी में, मेरे अंकल के दो बेटे आर्मी में, थर्ड अंकल का एक बेटा वो भी आर्मी में। दोस्तों, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भारतीय सेना में आने के लिए आकर्षित करना। और जो आप लोग आजकल मैंने देखा हर सोशल मीडिया पे आप लोग जय हिंद बोलते हो, आप जय हिंद बोलते हो उसको हार्डली समझो, जय हिंद मतलब हिंद की जय हो।